न्यासा देवगन 16 साल की हैं, लेकिन काफी ज्यादा चर्चा में रहती हैं। अजय और काजोल अपनी फिल्म तानाजी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हैं। फिल्म के प्रमोशन में काफी ज्यादा बिजी हैं। इन्हीं प्रमोशनल इवेंट्स के दौरान अजय देवगन और काजोल अपने बच्चों के बारे में भी खुलकर बातें कर रहे हैं। दोनों ही स्टार्स बेटी न्यासा बेटे युग के बारे में कई बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अब काजोल ने अपने शो के दौरान अपनी बेटी न्यासा की लव लाइफ को लेकर काफी कुछ कह दिया है। जी हाँ, काजोल ने न्यासा के बॉयफ्रेंड पर चर्चा की है। काजोल कहती हैं, अगर मेरी बेटी को कभी लव लाइफ की कोई एडवाइस लेनी होगी तो वो मेरे पास आएगी। अजय देवगन यानी कि काजोल के पति काफी प्रोटेक्टिव पापा हैं। न्यासा कभी अपने पापा से बॉयफ्रेंड के बारे में चर्चा नहीं करेगी। काजोल कहती हैं, अगर कभी न्यासा का बॉयफ्रेंड हुआ तो वो अपने पापा के साथ ये बात शेयर नहीं करेगी, क्योंकि अगर न्यासा अपने पापा को बॉयफ्रेंड के बारे में बताएगी तो अजय ऐसे इंसान हैं जो बंदूक लेकर खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कहाँ है वो, कहाँ है वो। वेल, आपको बता दे, काफी ज्यादा न्यासा देवगन ट्रॉल होती हैं, लेकिन मम्मी पापा न्यासा को लेकर काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं। न्यासा के बॉयफ्रेंड के कयास कई बार सोशल मीडिया पर लग चुके हैं। फोटोज न्यासा की वायरल हुई हैं, तो लोगों ने ये कहा है कि ये न्यासा के बॉयफ्रेंड है। हालांकि काजोल ने अपने इंटरव्यू में ये बात साफ कर दी कि अगर कभी उनकी बेटी न्यासा का बॉयफ्रेंड होता है तो वो काफी ज्यादा बेफिक्र होकर अपनी मम्मी के पास आएंगी लव रिलेशन एडवाइस लेने। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।